Good morning, students. We are continuing with EVS subject for class 3, lesson number 1. तो जहाँ पे हमने लेसन को छोड़ा था हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. प्लीज ओपन अप पेज नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 5 दैट देयर इज अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस. तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स की आपको पिक्चर्स दी हुई है, आपको उन एनिमल्स को कलर करना है दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस. अब क्या हॉर्स आपके हाउस में रहता है? अगर यस, तो आपको उसे कलर नहीं करना है. अगर नहीं रहता है तो आपको कलर करना है. डॉग हमारे घर में रहता है, हैन हमारे हाउस में रहते हैं. दिस इज एन ईगल, क्या ईगल आपके घर के अंदर रहती है? नो. तो हमें इसको भी कलर करना है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये सारे एनिमल्स आपको उनके नेम से आइडेंटिफाई करना है एंड जो जो एनिमल्स आपके घर में नहीं रहते हैं उनको आपको कलर करना है. नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी इज हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं. दिस इज अ डॉग, दिस इज अ फिश एंड दिस इज अ कॉकरोच. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इन पिक्चर्स, ये देखो ये कॉकरोच की अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कॉकरोच की है ना पिक्चर इनकम्प्लीट है. तो आपको ये कॉकरोच की पूरी पिक्चर बनानी है. देखो इसके लेग्स नहीं दिख रहे हैं. देन सिमिलरली अगर आप ये फिश देखोगे तो फिश का पीछे वाला पार्ट इज मिसिंग, तो आपको वो कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, इफ यू कैन सी हियर, देखो डॉग का यहाँ पे जो लेग वाला पार्ट है फ्रंट लेग, इट इज नॉट विजिबल. ये डॉग का शायद थोड़ा सा टेल भी विजिबल नहीं है, तो ये आपको कंप्लीट करना है एंड आपको उसके यहाँ पे नेम्स लिखने हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट, फाइंड माय नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, वन एग्जांपल हैज बीन गिवन. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक पजल है, आपको ये सब रीड करना है एंड जैसे फर्स्ट वाला मैं आपको समझाता हूँ, बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग. एक ऐसा एनिमल है जिसको बनाना खाना बहुत अच्छा लगता है. आई स्पेंड माई टाइम जम्पिंग एंड लीपिंग, मैं कूदने मस्ती करने में खाने में बनाना खाने में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ. तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको ये सब करना अच्छा लगता है? तो आप यहाँ पे ये पजल में देख सकते हो, द आंसर इज मंकी, MONKEY, राइट. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2. ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव. मतलब जैसे आप देख सकते हो वेब, वेब का मतलब क्या होता है? जाला. तो स्टूडेंट्स, जाला कौन बनाता है? मकड़ी का जाला हम जानते हैं, तो मकड़ी किसे कहते हैं? स्पाइडर. सो स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स है, ये जो पजल है, इसमें आपको देखना है स्पाइडर कहाँ है. देखो क्योंकि मुझे मिल गया तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, SPIDER, स्पाइडर, राइट. एक और मैं आपको कराऊंगा एंड रेस्ट मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, आप उसे खुद से सॉल्व कीजिएगा. आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट. मीनिंग, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अवेक रहता है, मतलब जो जागता है पूरी रात, एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और सुबह सो जाता है. ऐसा एनिमल है जो रात को जागता है एंड सुबह सोता है. आपको आंसर पता है? यस, द आंसर इज आउल. अब आपको यहाँ पे ढूंढना है आउल कहाँ है. ओ ओ ओ, ये रहा ओ, बट यहाँ पे आउल नहीं बन रहा, मुझे मिल गया यस, ये रहा ओ डब्ल्यू एल, आउल. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपको 4, 5, 6 नंबर्स रीड करने हैं एंड आपको उसका आंसर इस टेबल में, इस पजल में ढूंढना है. आई विल शो यू द आंसर. सी, द आंसर इज नंबर 1 का इट इज मंकी, नंबर 2 का इट इज स्पाइडर, नंबर 3 का इट इज आउल, नंबर 4 का इट इज फ्रॉग, नंबर 5 का इट इज स्नेल एंड नंबर 6 का इट इज टॉर्टॉइस. तो ऑल द 6 आंसर्स अभी आप आपके स्क्रीन पे सामने देख सकते हो. नंबर 1 मंकी, स्पाइडर, सी, नंबर 1 मंकी, नंबर 2 स्पाइडर, नंबर 3 आउल, नंबर 4 फ्रॉग, नंबर 5 स्नेल एंड लास्टली इट इज टॉर्टॉइस. सो आपको ये सभी वर्ड्स इस पजल में ढूंढना है. नेक्स्ट, देखो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है, तो आओ हम रीड करते हैं ये पिक्चर के बारे में क्या लिखा है. टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंबप्रिंट्स
फ्रॉम द अदर फिंगरप्रिंट्स। देखो यहाँ पे है ना, ये जो पूरी आप पेंटिंग पिक्चर देख रहे हो, ये स्टूडेंट्स जो हमारा हैंड होता है, जैसे हमारे हैंड पे थंब होता है एंड फिंगर होता है, तो उसके हेल्प से ये बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा आपके थंब का प्रिंट है, मतलब आपके अंगूठे का वो है निशान, और कौन सी आपकी फिंगर का है, आपकी उंगली का है। इन द सेम वे, उसी तरीके से यूजिंग वाटर कलर या इंक कलर, मेक पिक्चर ऑफ एनिमल्स। आपको आपके थंब प्रिंट से, आपके फिंगर प्रिंट से आपको पिक्चर्स, आपको एनिमल्स के पिक्चर्स बनाने हैं, उसमें आप वाटर कलर इंक कलर यूज कर सकते हो। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको आपकी क्रिएटिविटी, जैसा आपको लगता है आप कलर लो एंड आपके थंब प्रिंट से उस एनिमल को बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट, दिस स्टूडेंट ऑन पेज नंबर 8, ये जो है एक्टिविटी, ये आप खुद से रीड करना एंड आप इसको खुद से ट्राई करना। विल प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आप स्कूल तो नहीं आ रहे हो, तो आप जितना हो सकता है एनिमल्स के बारे में सीखो इस लेसन से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। आप आपके विंडो के बाहर देखो, आपको एनिमल्स दिखते हैं, वो एनिमल्स क्या जंप कर सकता है या वो फ्लाई कर सकता है, ऐसा सोचो उसके बारे में। तो एक दिन आप पेड़ के नीचे जाओ एंड ऑब्जर्व द एनिमल्स, एनिमल्स को देखो ध्यान से और बताओ, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। सबसे पहले आपको बताना है उन एनिमल्स के नेम जो आपने बाहर जाके देखा। अब नेक्स्ट है ऑन द ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या होता है, पेड़ की जो नीचे की जड़ रहती है, जो सबसे स्ट्रांग बेस रहता है, उसे हम कहते हैं ट्रंक। तो स्टूडेंट्स, कौन से एनिमल्स हैं जो पेड़ के ट्रंक पे रहते हैं, सो लेट अस लुक एट द आंसर। देखो पेज नंबर 9 ये आ गया आपका। सो एनिमल्स जो ट्रंक पे रहते हैं वो है एंट, टर्माइट एंड बीटल। अब स्टूडेंट्स, ये जो टर्माइट अगर आपको नहीं पता है, सो आप इसको ढूंढो कि क्या होता है टर्माइट। बीटल, इफ यू डोंट नो, ढूंढो व्हाट इज अ बीटल। सो यू गॉट द आंसर। ऐसे एनिमल जो पेड़ के ट्रंक पे रहते हैं, दे आर एंट, टर्माइट एंड बीटल। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द ग्राउंड, ऐसे कौन से एनिमल हैं जो जमीन पे रहते हैं, सो द आंसर इज डॉग, कैट, अर्थवर्म। डॉग जमीन पे रहता है, कैट जमीन पे रहती है, अर्थवर्म जो क्रॉल करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये भी जमीन पे रहते हैं। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब होता है पेड़ की डाली। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो पेड़ की डाली मतलब ब्रांचेस पे रहते हैं, वो है मंकी, स्क्विरल एंड क्रो। मंकी, स्क्विरल, क्रो पेड़ के ब्रांचेस पे रहते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रहते हैं, बट वो आपको खुद से ढूंढ के उनके नाम आपके नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट, ऑन द लीव्स, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो लीव्स मतलब पत्ती पे रहते हैं, सो लेट अस लुक एट द आंसर। द आंसर इज एफिड, फ्लाई एंड एंट। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो एफिड जो मैंने लिखा है, जो फ्लाई लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि आप थोड़ा बहुत पता करो कि ये कौन से ऐसे एनिमल्स है जिसका नाम एफिड है, जिसका नाम फ्लाई है, एंड एंट तो आप लोग को पता ही होगा जिसका मतलब होता है चींटी। नेक्स्ट, अराउंड द ट्री, ऐसा कौन सा एनिमल है जो ट्री पे रहता है, तो द आंसर इज एंट, स्क्विरल एंड लिजर्ड। तो स्टूडेंट्स, लीव्स पे एंट रहती है और ट्री पे भी एंट रहती है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो आप उनके नेम्स रिपीट होंगे तो चलेंगे। नेक्स्ट, एट अदर प्लेसेस, अदर प्लेसेस वाला जो है वो आप खुद से ढूंढ के, वो आपको यहाँ पे उनके नेम्स लिखने रहेंगे। ये जो असाइनमेंट है ये आपको खुद से करना है। क्या करना है आपको, आपने ऊपर जो भी नेम्स लिखा है ना स्टूडेंट्स, आपको उनका यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, देखो स्मॉल बीइंग द फर्स्ट, सबसे छोटा एनिमल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से आपको उनके नेम्स लिखने हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट द लेसन, लेसन नंबर 1, दैट इज व्हाट डिड पूनम
C. Thank you.